हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ महीने बाद में आपका सीपीओ का एग्जाम आने वाला है, और सीपीओ के एग्जाम के लिए जो अपने एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो एक कंप्लीट कोर्स है, जो कि अनअकैडमी के ऊपर हर्ष सर, नमन सर और जीके का साथ में रीजनिंग, इन सभी का जो है कोर्सेज का स्टार्ट किया गया है। तो उम्मीद है कि अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और आप काफ़ी टाइम से वाईफाई स्टडी से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लास्ट के 2-3 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस कंप्लीट कोर्स को करने के बाद में। इसके अलावा इसकी टाइमिंग जो कब होगी, कितने टाइम इसको हो चुका है कोर्स को स्टार्ट हुए, मात्र अभी 7 दिन हुए कोर्स को स्टार्ट हुए, किस तारीख से हुआ है और कौन से टाइम पे चल रहा है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हर सर आपको देने वाले हैं। सो दोस्तों, देख लीजिए, यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि 27 तारीख से हमने ये बैच स्टार्ट किया था, कंप्लीट जो कोर्स आपके सीपीओ का। 27 को आपको दो सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, एक आपके इंग्लिश की और दूसरी आपके जीके की, है ना। तो इंग्लिश की मैं लेके आ रहा हूँ, टाइमिंग आप लोगों को मैं बता दूँ, टाइमिंग इसका 12 से 1 है। सो 12 से 1 के बीच में आपकी दोपहर में जो इंग्लिश की क्लास हो रही है, जीके की क्लास जो है वो आपके 5 to 6 हो रही है शाम को, है ना, पीएम इवनिंग के अंदर हो रही है। तो ये 27 को स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा 30 को जो है हमने दो और सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट करी है, वो आपकी रीजनिंग और मैथ्स है। और रीजनिंग और मैथ्स की क्या डिटेल्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैथ्स को हमने 2 घंटे दिए हैं, 3 to 5, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। रीजनिंग को जो हमने 1 घंटा दिया है, और ये 1 से 2 का डिटेल्स है जो 27 और 30 तारीख से। तो ओवरऑल हम बोले, आज तारीख 5 हो रही है, तो सर ये बेसिकली जो मेरी जो क्लास एक ही क्लास हुई थी 27 को, ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, है ना, जो मैं बेसिक्स क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा उसके ऊपर बात करी। आज 5 तारीख हो रही है, तो मुश्किल से इसको 4-4 दिन हुए, है ना, और चूंकि सैटरडे संडे को, हाँ जी, है ना। सो बेसिकली सैटरडे संडे को जो है बेसिकली प्लस क्लासेस नहीं होती है, सो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली 3-4 दिन जो है मुश्किल से क्लासेस हुई है ना। इसके अलावा देख सकते हो बच्चों की, आपके लिए जो शेड्यूल बनाया गया है वो सुबह 12 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है और शाम के 5 बजे तक या शाम के 6 बजे तक जो है वो आपके लिए क्लास चल रही है, ठीक है, कंप्लीट बैच के अंदर। मैथ को ज़्यादा टाइम चाहिए ऑब्वियसली, इसलिए हम 2 घंटे की क्लास लगाई गई है, बीच में 1 घंटे का गैप दिया गया है ताकि आप जो है थोड़ा रिलैक्स कर सके और वापस से क्लास कंटिन्यू कर सके। यानी कि 12 से लेकर 6 घंटे रेगुलर आपके लिए अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो है वो कोर्स चल रहा है सीपीओ का। जो बच्चों ने अभी कुछ टाइम पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है या 2-3 महीने के अंदर जो है लास्ट मोमेंट पर क्लियर करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से वाईफाई से जुड़े हुए नहीं है, यूट्यूब से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो इसको ज्वाइन करके काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन अपने लास्ट मोमेंट के ऊपर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। डेली 6 घंटा आप समझ सकते हो, 6 घंटा ये 2-4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो डेली के अगर आप 10 घंटे दे रहे हो पढ़ाई को, तो डेफिनेटली 101% आपका एग्जाम है जो कि क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। साथ में एक बात और, काफी बच्चों के डाउट होते हैं कि सर ये जो क्लास निकल गई 2-4 क्लासें, इसको क्या करेंगे इनका, तो आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, 2-4 क्लासें, इसको आप आराम से पहले देख लीजिएगा और रेगुलर क्लास में जो अपनी लाइव क्लासेस है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाद में अगर आपको लगता है कि आपको लाइव क्लास भी नहीं कर सकते हो, तो भी आप डाउनलोड करके बाद में देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर 3 क्लास के बाद में एक डाउट सेशन भी होता है, वो आपको मालूम होगा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं और काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन है जो कि होता है अनअकैडमी के ऊपर। आपको करना क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, इस तरीके से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना गोल जो है ना उसको SSC लेना है, जो कि आपको लेना है। बहुत सारे आपको ऐसे गोल्स मिलेंगे, आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चूज योर गोल के अंदर आपने SSC एग्जाम है। अब जितने भी SSC के एग्जाम होंगे, 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, है ना। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा, जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का आपको ऑप्शन मिलेगा। 12 महीने का अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो मात्र 425 रुपये पर मंथ के अंदर जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 425 रुपये पर मंथ कुछ भी नहीं होते यार, मेरे ख्याल से 5वीं क्लास के बच्चे की जो है वो फीस होती है मैथ की, वो भी। यहाँ पे आप 1 साल SSC के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे CPO हो, CGL हो, CHSL हो, सबकी प्रिपरेशन कर सकते हो, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, स्पेसिफिक सेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते हैं। कूपन कोड के अंदर आपको वाईफाई स्टडी डालना है, ठीक है, जो रेफरल कोड है, और आपको हाथों हाथ यहाँ पे इंस्टेंट 10% ऑफ है जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि 1 महीने का यहाँ पे दिया हुआ 1000 का था, तो ये 100 रुपये का हो गया है। 1 महीने का 3 महीने का अवॉइड करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा 6 महीने या 12 महीने का ले लें, ताकि आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और आप बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन है
जो कि यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे एनरोल करके सारे कोर्सेज देख सकते हैं। आपको ऑलरेडी कौन से दिन में क्या पढ़ाया जाएगा उसका पूरे महीने का शेड्यूल भी मिल जाता है, डाउनलोड वीडियो यहाँ मिल जाएंगे, आने वाले प्लस कोर्सेज भी आपको यहाँ मिलेंगे। एग्जाम चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आपके लिए जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपके जो कि चलते रहेगी, ठीक है। डाउट सेशन अब 3 क्लास के बाद में। हाँ, एक मैं यहाँ पे बताऊँ बच्चों की सीपीयू के अलावा एसएससी स्टेनो की वैकेंसी भी आई हुई है, तो स्टेनो के लिए भी हमने आपके स्पेसिफिक कोर्स चालू किया है, और उसके अंदर जैसे कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर इंग्लिश आपको संजीव सर पढ़ा रहा है ना, सो बहुत सारे बच्चे स्टेनो कर रहे थे, तो स्टेनो के लिए भी हमने बेसिकली कोर्स चालू कर दिया है, और उसकी डिटेल्स का वीडियोज भी संजीव सर काफी बार बना चुके हैं, वो आप लोगों को पता है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक बात और नोटिस करने वाली है कि स्टेनो के लिए आपको अलग से पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसका मतलब सारे एग्जाम का आपको एक्सेस मिल चुका है एसएससी के। आप साल भर बैठ के घर बैठ के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। मुझे लगता है कि देश में इससे सस्ती जो एजुकेशन जो है आपको कहीं पर भी मिल सकती है, वो भी घर बैठे, ठीक है। टाइम एनर्जी मनी तीनों आपके बचेंगे। रेफरल कोड में वाईफाई लगाना मत भूलना, ताकि आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप घर बैठे सीपीओ की और बाकी सीजीएल एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे ज्वाइन करेंगे, सपोर्ट करेंगे वाईफाई स्टडी को। काफी टाइम से अगर आप सीपीओ की तैयारी यूट्यूब से कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने में अगर आपने ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करेगा, आपको टेस्ट सीरीज और सब कुछ यहां पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, और एसएससी की क्लासेस के अंदर जरूर मिलेगा। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।